अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो ये है मेरे घर के बना हुआ देसी घी। इसको मैंने नहीं बनाया था, मैंने खरीदा था किसी से। लेकिन जब भी घी को मैं गर्म तवे पर या फिर कढ़ाई पर डालती हूँ तो उससे ना अजीब सी बदबू आने लगती है, जो बहुत ही गंदा स्मेल है। तो मैंने एक फ्रेंड से कंसल्ट की थी कि क्या कर सकते हैं घी को, आखिर घी वैसा क्यों कर रहा है, इतनी गंदी स्मेल क्यों आ रही है। तो फिर उन्होंने जो आइडिया बताया था, आज मैं वही ट्राई करूँगी। तो फिर आप लोग वीडियो में बने रहेगा। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, और जो नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और साथ में जो बेल आइकन होते हैं उसे ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिले। तो फिर पहले मैं एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दूंगी, और फिर उसके बाद फ्रेंड्स मैं जो घी है उसको कढ़ाई पे डाल दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, घी के नीचे ये व्हाइट व्हाइट रह गया था शायद इसकी वजह से घी में बदबू आने लगी थी। और अब हल्के हल्के से घी को चलाते जाऊंगी, और घी को मैं सिर्फ 5 या 6 मिनट तक ही गर्म करूंगी। ज़्यादा गर्म करूंगी तो घी जल जाएगा। और फ्रेंड्स, घी की बदबू मिटाने के लिए मैं उस पर लौंग डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स 6 मिनट हो चुके हैं, तो अभी मैं इंडक्शन का बंद करके घी को ठंडा होने के लिए रख दूंगी। और फ्रेंड्स, घी जब ठंडा हो जाएगा तो तब मैं छान के शीशे की बोतल पर डाल दूंगी। तो आई होप फ्रेंड्स, अब लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो पर।